हेलो गाइस, नमस्कार। मिनी गार्डन 1 2 3, आई मैं आज अपना गार्डन दिखाते हैं और गार्डन में हम किस तरह से लगाते हैं, फल वगैरह लगाते हैं, सब्जी वगैरह लगाते हैं और बहुत सारा फूल वगैरह भी लगाते हैं। सो गाइस, हम आज सब उसके विषय में आज बताएंगे। और सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कंपोस्ट खाद, किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद जो बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं और कैसे बनाना चाहिए, मैं आज उसके विषय में आप सारा जानकारी देंगे। और सबसे पहले हमारे गार्डन में, हमारे चैनल में और हमारे वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक ज़रूर करें। अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज हम अपना कंपोस्ट खाद किस तरह से बनाते हैं उसके विषय में आज हम बताएंगे आपको। सो गाइस, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं किचन वेस्ट से जो फल का सब्जी मतलब छिलका हो और सब्जी वगैरह का छिलका हो, वो सारा जमा करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पे कम से कम आपको जमा करना है। उसके बाद आपको ये कंपोस्ट खाद जो है बॉक्स है उसमें आपको रखना है, और उसमें किस तरह से रखना है सो गाइस इसमें आपको वो भी हम बता रहे हैं। तो ये देखिए, थर्मोकोल का बॉक्स है और इसमें हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं। तो इसमें हम ये देखिए, ये आधा फूल हो चुका है और ये देखिए हम पन्नी में भर के रखे हुए हैं, 3 दिन 4 दिन का। तो गाइस हम इसमें अभी डालेंगे, और सबसे पहले आप देखिए इसमें 3 दिन जो 5 दिन पहले हम डाले हुए हैं, इसके ऊपर हम हल्का मिट्टी दिए हुए हैं ताकि स्टेप बाई स्टेप इसमें देना चाहिए। और 5 दिन पे अगर आप किचन वेस्ट डालते हैं तो उसके बाद ऊपर से 5 दिन के बाद डालने के बाद जो है ऊपर से आपको हल्का मिट्टी देना है, 1/2 इंच मिट्टी ऊपर से दे देना है। मिट्टी देने के बाद फिर उसमें ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद जो है, और फिर उसके बाद 5 दिन के बाद जो जमा हुआ आपका किचन वेस्ट फिर उसमें डाल देना है 5 दिन के बाद। फिर उसके बाद जो है हल्का 1/2 इंच उसमें मिट्टी डाल देना है, फिर ऊपर से ढक्कन लगा देना है ताकि ये आपको जो है 2 से 3 मंथ में जो है ये बहुत अच्छा इसमें खाद बन जाता है। और इसके अंदर जो गल के जो पानी हो, वाटर जो बनता है, वो वाटर जो है यहाँ से हम निकालते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ छेद किए हुए हैं। सो गाइस इससे जो पानी हम निकालेंगे, और इससे जो हम पानी निकालेंगे उससे अगर 5 लीटर ये कंपोस्ट पानी वाटर निकला है तो उसमें हम जो है 5 के बाद उसमें 10 लीटर पानी मिलाएंगे। 10 लीटर पानी मिलाने के बाद जो है सारा बॉक्स में हम डालते हैं, फूल वगैरह है। उसके बाद हम मक्का भी का भी खेती किए हुए हैं थर्मोकोल का बॉक्स में, उसमें सारा डब्बा में हल्का हल्का हम दे देते हैं ताकि वो कंपोस्ट का पानी जो है बहुत ताकतवर होता है खाद, क्योंकि उसी से गल के जो है खाद बनता है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हम इसमें हम डाल रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए हम सारा इसमें डाल दिए हैं। बहुत ही आसान तरीका है, अपने भी घर में आप अपना कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। सो गाइस, और कहीं फेंकने से अच्छा है कि कंपोस्ट खाद बना लेने से फ़ायदा ही होता है, ताकि अगर गार्डन करते हैं तो गार्डन में रख सकते हैं, दे सकते हैं खाद बना के। और ये बहुत ही अच्छी तरीका से हम लोग बनाते हैं। सो गाइस आप लोग भी अगर गार्डन करते हैं तो उसमें भी आप अपना कंपोस्ट खाद बना के इस तरह से आप खाद बना सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। सो गाइस हम दिखा रहे हैं कि सारा हम गार्डन इसी में करते हैं, ये देखिए। यदि मक्का का भी हम खेती किए हुए हैं उसके विषय में हम सारा जानकारी आपको देते हैं और देंगे। सो गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।